फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल में। आज हम बात करेंगे फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल का किस तरह उपयोग किया जाता है। इसमें कई सारे फीचर हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, टेक्स्ट से हम अपने नए नए डिजाइन तैयार कर सकते हैं और उसे और बढ़िया बना सकते हैं। और फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छा डिजाइन बनाने में किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि मैं इसके अलग अलग फीचर आपको बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आ गए हैं फोटोशॉप के अंदर। अब हम यहाँ लेंगे एक नया डॉक्यूमेंट्स, फाइल में जाएंगे, फाइल न्यू, और यहाँ से हम ले लेंगे एक पिक्सल में फाइल और ओके। अब टेक्स्ट डिजाइन के लिए ये यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ टाइप करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे और ओके। अब इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से। अब अपना नया टेक्स्ट लिखेंगे, आप सुरक्षित रहें। माउस की मदद से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे। अब वापस टेक्स्ट टूल में जाएंगे। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे हमें इसका कलर चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इतने अक्षर को सेलेक्ट करेंगे और इसका यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। जैसे ये कलर ले लिया और ओके। अब अपने को ये मान लो अक्षर बड़ा करना है, तो इसके लिए वापस टेक्स्ट टूल में जाएंगे और इसको इतना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका नंबर बढ़ा देंगे। तो ये अक्षर अपने बड़े हो जाएंगे। इसमें कोई स्टाइलिश डिजाइन देने के लिए हमें इस अक्षर को अलग करना है, तो कैसे करेंगे। टेक्स्ट टूल में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको काट देंगे कंट्रोल एक्स से, और मूव टूल पे जाएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे और वापस टेक्स्ट टूल में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब इसको मान लो बड़ा करना है तो कंट्रोल टी की मदद से शिफ्ट और एल्ट दबाएंगे और इसको माउस की मदद से बड़ा कर देंगे और इंटर दबाएंगे। जैसे हम इसको यहाँ रखना चाहते हैं तो इस तरह करके इंटर कर देंगे। अब मान लो इसके अंदर अपने को फॉन्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे जिससे ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसको एरो की से रोल करेंगे। जैसे हमें ये अक्षर चाहिए तो मूव टूल पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे, और इसको अगर छोटा करना है तो इस तरह से कंट्रोल टी से छोटा कर सकते हैं। अब कोई नया टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया आप कहाँ के रहने वाले हैं। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये अक्षर मुझे राउंड के अंदर चाहिए, तो इसके अंदर फीचर है, टेक्स्ट टूल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, जो यहाँ टी लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और इनके स्टाइल खोलेंगे। जैसे यहाँ पे अभी नन है तो इसको अलग अलग शेप के अंदर कर सकते हैं, जैसे ARC लोअर। जैसे इसके अंदर कई इस तरह से डिजाइन दिए हुए हैं, आप कोई भी डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमें ये डिजाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर हमें इसके अंदर चेंज करना है, जैसे इस तरह से करना है, जैसे इसको पूरा इस तरह से करना है, जैसे स्कूल के नाम वगैरह होते हैं, या इसको नीचे लेके आना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके अंदर स्टाइल देख लेते हैं, जैसे इसके अंदर ये स्टाइल देखते हैं, इसके अंदर इस तरह से टेक्स्ट के स्टाइल को शेप दे सकते हैं, जैसे इस तरह दे देंगे। अब हम इसके पीछे स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप स्ट्रोक दे सकते हैं। लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल और स्ट्रोक,
यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर के कोई भी स्ट्रोक दे सकते हैं। ओके कर देंगे, इस तरह से इसमें स्ट्रोक दे सकते हैं, जैसे कोई फोंट ले लेते हैं इम्पैक्ट का, और इसको कंट्रोल टी की मदद से बड़ा कर लेते हैं। आप इसके अंदर अलग अलग तरीके से डिजाइन दे सकते हैं, जैसे लेयर के अंदर जाएंगे, लेयर स्टाइल और ग्रेडियंट ओवरले, इसमें इसके काफ़ी सारे डिजाइन अपने ग्रेडियंट की मदद से दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जैसे इस तरह से इनके अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, और इसके अंदर फिल्टर स्टाइल भी दे सकते हैं, जैसे फिल्टर के अंदर जाएंगे स्टाइल्स और वाइंड कर देंगे और ओके कर देंगे, इसको वाइंड रखना है यहाँ से और ओके। तो ये इस तरह से डिजाइन ब्लास्ट के रूप में हो जाएगा। आप इसको दोहरा भी सकते हैं कंट्रोल एफ की मदद से, जैसे कंट्रोल एफ दबाएंगे तो इसको और बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर स्टाइल दे सकते हैं, लेयर में जाएंगे लेयर स्टाइल और ग्रेडिएंट ओवरले, और यहाँ से इसके स्टाइल दे सकते हैं, जैसे ये स्टाइल दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसके अंदर कलर दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसके अंदर कोई पैराग्राफ लिखना, तो इसके लिए टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे और माउस की मदद से यहाँ तक स्लाइड करेंगे जहाँ तक अपने को पैराग्राफ लिखना है, और ओके कर देंगे तो ये पैराग्राफ इसके अंदर अंदर आएगा। जैसे हमें कोई आर्टिकल लिखना है तो इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट में आर्टिकल लिख सकते हैं, और मूव टूल की मदद से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कंट्रोल टी की मदद से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर इस टेक्स्ट को इस पेज के अंदर ऐड करना है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको माउस की मदद से पेन कर सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।